हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज जो अपने सामने देख रहे हैं वो है कामा सूत्रा का गैस बेस्ड डिओडेंट जिसका नाम है थ्रिल। इसकी MRP है 230 रुपये, लेकिन ये मैंने 100 या 120 रुपये में मिंत्रा से ख़रीदा। और दोस्तों, ये मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि मैंने पहले ट्राई कर रखा था कामा सूत्रा का स्पार्क। आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं, इसका रिव्यू नहीं है, इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। और आप लोगों का बहुत प्यार मिला था, बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे। ये मेरे हिसाब से कामसूत्र का स्पार्क एक ऐसा डिओडेंट है जो कि गैस बेस्ड डिओडेंट्स पे जो भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, कि या तो फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं रहती या लॉन्जिविटी नहीं रहती, और इसलिए लोग कहते हैं कि लिक्विड बॉडी डिओडेंट खरीदो या परफ्यूम्स पे स्विच कर जाओ, तो कामसूत्र स्पार्क एक अकेला डिओडेंट है जो कि लड़ रहा है कि भाई मेरे से अच्छा बन के दिखाओ, है ना। अब देखिए, मैंने कामसूत्र स्पार्क ही हर बार खरीदा था, तो जब डील में ये इतना सस्ता मिल रहा था तो सोचा सेम ब्रांड का है तो शायद ये भी अच्छा हो, इसको ट्राई करके देखते हैं। अब देखिए, मेरी आवाज़ थोड़ी निराशाजनक आपको लग रही होगी, लेकिन ठीक है, बात करेंगे कि कैसी है ये फ्रेगरेंस। और देखिए, यहाँ पर मेरे पास है एनगेज का स्पाइस मिस्टिक। इसमें भी कुछ कंपैरिजन करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि दोस्तों ये स्पाइस मिस्टिक है, समझ गए हैं कि ये जो है ये स्पाइसी फ्रेगरेंस है एनगेज की, और थ्रिल जो है वो भी स्पाइसी फ्रेगरेंस है। कितनी अच्छी, ये रिव्यू में आगे पता करेंगे। जो एजेंडा है इसका, हम इसकी जो नोट प्रोफाइल है वो देखेंगे, और बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की, और बात करेंगे इसकी फ्रेग्रेंस की कि क्या ये टिक पाती है, क्या ये आपको खरीदनी चाहिए 100 120 रुपये में। ये आपको कई बार मैंने इसको फ्लिपकार्ट ग्रोसरी पर भी देखा है, इसको इतने ही प्राइस रेंज में। दोस्तों, ये कोई नया ब्रांड नहीं है, कोई ये नया डिओडरेंट नहीं है, काफ़ी पुराना है, आप लोगों ने आई थिंक यूज़ किया होगा। अगर आपने यूज़ किया है तो अपने रिव्यूज़ मुझे ज़रूर बताएं, और आई होप आप मेरे इस ऑनेस्ट रिव्यू से सहमत होंगे। अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, ये जो है ये भी एक गैस बेस्ड डिओडरेंट है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको स्प्रे भी कर लिया, ठीक है, गैस बेस्ड है, थोड़ा जो गैस बेस्ड होता है उसमें गैस कैरियर होती है, ठीक है, तो अच्छे से शेक वेल बिफोर यूज वाला कंसेप्ट है। अगर इसकी नोट प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी द्वारा दी गई नोट प्रोफाइल में टॉप नोट्स में बर्गमो और सिट्रसी फ्रेश नोट्स के साथ आपको कार्डमम, सिनेमन, बाक के स्पाइसी नोट्स मिलते हैं। मिड नोट में ड्राई एम्बर, ऑरेंज फ्लावर, और बेस नोट में पचूली और वनीला के नोट्स मिलते हैं। अब देखिए, इन्होंने वनीला बोला है, साथ में पचूली बोला है। अगर मैं बात करूँ इसकी जो इनिशियल फ्रेगरेंस है, उसमें ये दोनों नोट कहीं नहीं फील होते। आपको एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का इनिशियली जो स्प्रे ब्लास्ट जाता है वो फील होगा, और जब वो उड़ जाएगा तो उसके बाद आपको स्पाइसी नोट्स फील होंगे। साथ ही में देखिए, माइल्ड सिट्रसी, हल्के से स्वीट जो नोट्स हैं वो फील हो सकते हैं, लेकिन दैट्स इट। पचूली, वनीला, एम्बर, ऑरेंज फ्लावर कहाँ है मुझे नहीं पता, तो लेट्स अज्यूम कि इन्होंने डाला है, क्योंकि कामसूत्र स्पार्क में जो जो इन्होंने कहा था वो सब फील होता है, तो लेट्स होप कि ये तो डाला है। लेकिन दोस्तों, वनीला देखिए, वनीला बहुत ही माइल्ड नोट होता है। अगर आप एक स्पाइसी नोट डाल रहे हैं साथ में वनीला डाल रहे हैं तो वनीला को ओवर पावर कर देता है, तो दिस इज नो यूज़। आप बेस नोट में वनीला जैसा नोट डाल रहे हैं और आप टॉप नोट में आप बोल रहे हैं कि आपने स्पाइसी नोट डाला है, इसमें थ्रू आउट स्पाइसीनेस फील होती है जब तक ये फील होती है। क्या है इसकी फ्रेगरेंस, अगर आप फ्रेगरेंस समझें तो दोस्तों, इसकी फ्रेगरेंस एक चलती फिरती मसालेदानी जैसी है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी नोट है। घर में हमारे जो मसाले का बक्सा होता है जिसमें भिन्न भिन्न तरह के मसाले होते हैं, कभी आप उसको उठाएं, कभी जब वो धुलता है तो मसाले हट जाते हैं, धुलने के बाद आप उसको स्मेल करेंगे ना, मसाले इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसके रग रग में बस जाते हैं। इसमें भी बिल्कुल वही फ्रेगरेंस आती है। अब क्या ये फ्रेगरेंस अच्छी है, तो देखिए सवाल ये है कि क्या आपको स्पाइसी फ्रेगरेंसेस पसंद आती हैं। मुझे स्पाइसी फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ मसालेदानी बन के नहीं जीना। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ एनगेज की स्पाइस मिस्टिक की। इसकी फ्रेगरेंस अगर मैं आपको बताऊँ, इसका भी मैंने रिव्यू नहीं किया है दोस्तों, ये मेरी काफ़ी फेवरेट परफ्यूम्स में से है, और ये बहुत अच्छी है। इसमें आपको एक बहुत ही सुंदर सा वुडी लेदरी नोट मिलता है, साथ में आपको इसमें भी ओपनिंग में आपको जैसे मैंडरिन, नटमेग, ये सारी फ्रेगरेंसेस मिलती हैं। फ्लोरल है, बहुत अच्छा एक गुलदस्ता जैसा आप स्मेल कर रहे हो, साथ ही में आपको फ्रेशनेस फील होती है थोड़ी सी पेपरमिंट जैसी। तो देखिए, इसमें काफ़ी सारे नोट्स हैं, साथ ही में इसमें थोड़ी स्पाइसी नोट्स भी हैं। इस पर एक कपल बना हुआ है, और ये एक्चुअली ये जो भी आपके इर्द गिर्द होगा उसको, अगर स्पाइसी नोट ही नहीं है उसको, बाकी नोट्स में हल्की फुल्की स्पाइसीनेस भी अच्छी लगती है, तो ये फ्रेगरेंस पसंद आएगी। ऑन द अदर हैंड, थ्रिल जो है उसमें देयर इज नथिंग थ्रिल अबाउट इट, मुझे इतना खास लगा नहीं फ्रेगरेंस वाइज। बात कर लें कि इसकी स्टैटिस्टिक्स कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो देखिए इसको लगाने के आप लगाएं आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम आपको ये फील होती है, उसके बाद ये फील नहीं होती। स्पाइसी फ्रेगरेंसेस यूजली लास्ट करती हैं, लेकिन ये इतना लास्ट नहीं करती है। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांग लगती है, ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। स्टार्टिंग में ये ऐसा लगता है कि हाँ ये सही में ऐसी बन सकती है, इसको लेयर कर सकते हैं किसी और के साथ, लेकिन 1 घंटे के बाद ये उड़ जाती है, ये फील नहीं होती है।
यहाँ पर देखिए एकदम कॉन्ट्रास्ट है कामसूत्र स्पार्क के साथ। मुझे लगता है कामसूत्र स्पार्क की सक्सेस के बाद इन्होंने एक और डियो निकाल दिया और सोचा कि चलो लोगों ने के एस स्पार्क तो खरीदा है तो के एस का कोई और भी फ्रेगरेंस खरीद लेंगे। अगर आपको स्पाइसी फ्रेगरेंस चाहिए तो आप एंगेज की स्पाइस मिस्टिक ट्राई कर सकते हैं, हैंड्स डाउन बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। मुझे ये इतनी अच्छी लगती है कि मैं कोई और खरीदता ही नहीं, मुझे स्पाइसी फ्रेगरेंसेस पसंद है। लेकिन सिर्फ स्पाइसी नहीं, सिर्फ मसालेदार ही नहीं बनना जिंदगी में, है ना। तो ये चीज़ जो है इस वजह से दोस्तों ये फ्रेगरेंस मुझे इतनी खास लगती नहीं है। और देखिए जब इसमें सिर्फ स्पाइसीनेस और थोड़े हल्के फुल्के जो नोट्स हैं बाकी सारे वो फील नहीं होते, सिर्फ स्पाइसी नोट्स फील होते हैं, तो ये इतनी खास लगती नहीं है। इसलिए ये थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ चीप सी लगने लगती है और वो जो है उससे मैं दूर रहना चाहता हूँ। और ये मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। अगर आपने इसको यूज़ किया है और आपको लगता है कि मेरा जो रिव्यू है वो ऑनेस्ट है और आप लोग उससे रिलेट कर पाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसा हो सकता है, देखिए परफ्यूम्स बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको ये बहुत अच्छी लगे और मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो वो भी मुझे बताना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।